झांसी ने शुरू की मुफ्त ऑक्सीजन युक्त कार सेवा। मुंबई के हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की बढ़ती मुसीबतों को देखते हुए राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना अब ऑक्सीजन मैन बनकर आगे आई है और कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त दो ऑक्सीजन वैन तैयार किए हैं। ये ऑक्सीजन वैन 24 घंटे कोरोना मरीजों के लिए तैयार रहती हैं। जब तक कोरोना मरीज को अस्पताल में बेड नहीं मिलता, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता, तब तक फुल एसी युक्त कार में मरीज को ऑक्सीजन दी जाती है। इतना ही नहीं, जिन कोविड मरीजों को घर पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है उनको भी एक कॉल पर मुफ्त ऑक्सीजन का सेटअप घर में लगा कर दिया जाता है। चारको विधानसभा के मानसे विभाग अध्यक्ष दिनेश सालवी ने बताया कि 7 मई से सुविधा शुरू की गई। हर रोज ऑक्सीजन के बाटले के लिए 8 से 10 कॉल आते हैं और दोनों ऑक्सीजन वैन पूरा दिन बिजी रहती हैं। हालात ऐसे ही रहा तो आने वाले दिनों में 2 और ऑक्सीजन वैन तैयार करना पड़ेंगे क्योंकि ऑक्सीजन वैन का डिमांड काफी ज्यादा है। सर, आपने एक ऑक्सीजन वैन तैयार किया है, किस तरह से यह काम कर रहा है, किस तरह से सुविधा दे रहा है? ऐसा है, दिन ब दिन ये कोरोना की महामारी ज्यादा फैलते जा रही हुई है। आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे, इंजेक्शन नहीं मिल रहे, ये तो छोड़ो अभी ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। ऐसे में कोरोना पेशेंट करे क्या, तो ऐसे वक्त कोरोना पेशेंट के लिए राहत के लिए हम लोगों ने एक ऑक्सीजन का बाटला एक कार में और एक मेटाडोर में सुविधा की है कि जब तक उस कोरोना पेशेंट को बेड मिलता नहीं, ऑक्सीजन मिलता नहीं, तब तक के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा उनको मिलेगी यहाँ पे। वैसे जो कोरोना पेशेंट है जो घर में इलाज कर रहे हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है, तो उनको हम लोग हमारे चारको विधानसभा के माध्यम से उनके घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी दे रहे हैं। लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स मिला, कितने ऐसा जब से हम लोग ने चालू किया हुआ है, लगभग 10 से 15 सिलेंडर हम लोगों ने लोगों को उपचार के लिए घर में दिए हुए हैं और गाड़ी तो 2-2 है हमारे पास, लेकिन दोनों गाड़ी 24 घंटा लोगों की सेवा में लगी रहती है। अब ऐसा लोगों का कॉल आ रहा है कि अभी 2 गाड़ियाँ और बढ़ाने के हम लोग सोचे, ये आने वाले 2-4 दिन के अंदर और 2 गाड़ी बढ़ा के हम लोग लोगों को जितना हमारे से हो सकता है पॉसिबल उतना हम लोग सेवा लोगों को देने वाले हैं। तो ये सेवा कब तक चालू रखना, जैसा कि जब तक ये कोरोना महामारी इस नष्ट नहीं हो रही, मुंबई से जा नहीं रही, तब तक लोगों को कोरोना पेशेंट को ये फ्री ऑफ कॉस्ट कार सेवा मिलेगी ऑक्सीजन सुविधा के साथ। एरिया कौन कौन सा रहेगा? ऐसा है कि जो सिलेंडर दे रहे ऑक्सीजन का घर में वो हम लोग चारको विधानसभा तक मर्यादित रखा हुआ है, लेकिन जो कार सेवा है ऑक्सीजन सुविधा के साथ जो पेशेंट को दे वो पूरे उत्तर मुंबई में कहीं भी मिलेगी। हमारे उत्तर मुंबई के मनसे के कार्यकर्ता को आप संपर्क करो, जिनको भी सुविधा चाहिए उनको ये कार सेवा मिलेगी जरूर।